यो बेटू चैनल वेलकम बैक टू एंड मेरे लोन जॉब आपको बेटे कंटेंट रेगुलर मिल रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे काई वर्सेस टाइसन के मैच के में, क्या टाइसन बेटर है काई, इसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मेरे साथ ही बहुत ही अच्छे क्रिएटर हैं जिनका चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वो बहुत ही अच्छे क्रिएटर है तो उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, वो आज हमें टाइसन के बारे में बताने वाला है और मैं काई के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वर्सेस मैच को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ऐसा आपको पता ही है, जो टाइसन है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उसने ब्रुकलिन जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को बहुत अवेजम टक्कर दी है। और टाइसन 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है और उसकी पावर बहुत ही हाई है। और उसका बेबलेट ड्रैगो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, ड्रैगो का लास्ट वर्जन नेम ड्रैगन था। और सच में इस बेबलेट ने जोसेफ को बहुत ओपी टक्कर दी है, मतलब दी थी। एंड और जो टाइसन ने काय जैसे ब्लेडर को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। और हाँ, काय को एक बार टाइसन ने हराया भी है। एंड सो दोस्तों, और बाकी आगे कौन जीतेगा वो सब आपको बताएंगे एंड में डिटेल्स ऑन। जैसे कि पोके यूनिवर्स वाइन टाइसन के बारे में बता दिया, तो अब मैं बताने वाला काय के बारे में। अगर तुम काय के फैन हो या फिर काय को तुम जानते हो, तो तुम जानते हो उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। तो काय एक बहुत ही अच्छा बेब्लेडर और हार्ड वर्किंग बेब्लेडर है, और हार्ड वर्किंग के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार बेब्लेडर भी है। और यार, जो काय है उसने ब्लैक ब्रॉन्ज जैसे शक्तिशाली बेब्लेड को यूज़ भी किया था, उसकी पावर आधी बहुत यूज़ भी की थी और उसको आधा बहुत कंट्रोल भी किया था, पर वो फुल कंट्रोल नहीं कर पाया था ड्रॉन्जर, ब्लैक ड्रॉन्जर के ऊपर। और वो ओजी का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर में से एक है, और वही फर्स्ट कैरेक्टर है जिसने ब्रुकलिन को हराया था। और ब्रुकलिन को हराना बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है। तो अब बात आती है जिन टाइसन बेस्ट है या फिर काय बेस्ट है। तो भाई देखो, जब जी रिवॉल्यूशन में टाइसन वर्सेस काय हुआ था, बेगा मतलब बेबी को बेगा में बदलने से पहले जो बैटल हुई थी काय वर्सेस टाइसन की, उस बैटल में टाइसन की पावर 1% ज़्यादा थी, क्योंकि जो टाइसन का बेबलेट है वो 1% मतलब थोड़ा ज़्यादा घुरा था, 1 सेकंड ज़्यादा घुमा था काय से। तो तुम कह सकते हो काय उस मैच में, जो टाइसन है वो उस मैच में काय से 1% ज़्यादा पावर वाला। पर लेकिन जब काय ने ब्रुकलिन को हरा दिया, तो हमें पता चला कि भाई हाँ, काय में भी बहुत ज़्यादा दम है। और तुम कह सकते हो कि काय की पावर भी टाइसन के जितने ही है। अब बहुत सारे लोग कहने वाले कि भाई बहुत थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टाइसन वर्सेस ब्रुकलिन की लड़ाई हुई थी उसमें टाइसन जीत गया था, तो ऐसा तो यार भाई वो ब्रुकलिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए टाइसन तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो भाई देखो यार, जो टाइसन था उसने बहुत स्पिरिट की पावर ली थी, यानी कि ड्रॉन्जर, ड्रसील, इन सब की पावर लेकर लास्ट में वो इतना भयानक ब्रुकलिन को हरा पाया था। पर काय ने बिना किसी की पावर लिए ब्रुकलिन को हरा दिया था। पर दोनों ही ब्रुकलिन अलग थे, मतलब एक ब्रुकलिन बहुत ही अल्टीमेट पावर वाला था और एक ब्रुकलिन थोड़ा बहुत उससे कम पावरफुल था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो काय और टाइसन है वो दोनों की पावर एक है, और उन दोनों की जो मतलब मैच है वो उन दोनों मतलब दोनों ही बेस्ट है, तो मैं ऐसे कह सकते हो। तो होपफुली तुम लोग समझ चुके हो गए अभी तक। अगर नहीं समझो तो पूछो कुछ जो तुम वीडियो में नहीं समझो। तो पोके यूनिवर्स वाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलूंगा सर, बिस्मिल्लाह।